और हमारे सभी जिला पंचायत सदस्यों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि भी दो साल दो वर्ष कार्यकाल के लिए वो अच्छे से होंगे। और राम जी की भूमि पर जैसा कि हम राम जी की पुण्य भूमि तपस्या जन्मभूमि है, उनकी कर्मभूमि उनकी जन्मभूमि है, हमें इस पावन भूमि पर अपनी सेवा प्रदान करने का अवसर मिला। हमें इस पावन भूमि पर अपनी मनो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमें इस जन्मभूमि पर राम जी की जन्मभूमि पर अपना सेवा प्रदान करने का, अपने कार्य को स्थापित करने का, अपने कार्य को अनुरूप देने का जो अवसर मिला है, उसके लिए मैं सर्वप्रथम तो अपनी माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और उनकी मंशा अनुरूप जैसा कि उनकी मंशा रही है कि राम जी की भूमि पुनः राम राज्य स्थापित हो, तो हमारा प्रयास बस उसी तरफ है कि हम उसी तरह से अयोध्या को सुंदर बनाएं, सांस्कृतिक बनाएं, सभ्य बनाएं। और जो भी यहाँ पर हमारे आने वाले दिनों में जो भी हमारे रामलला के श्रद्धालु आते हैं, मैं ये मानती हूँ गांव क्षेत्रों में भी ज़रूर अनुभव करेंगे, उनका वहाँ भी अनुकरण करना होगा। तो मैं पूरी तरह से प्रयत्नरत रहूँगी कि जिस तरह से अयोध्या नगर चमचमा रही है, सुंदर हो रही है, उसी तरह से हम ग्रामीण अंचलों का भी सौंदर्यीकरण करें और उसको सुविधाजनक बनाएँ कि जब भी यहाँ पर लोग आएँ तो वो यहाँ से जब जाएँ तो वो पूरी राम राज्य का ही उनको सुख और अनुभव का कि कार्यकाल का दो वर्ष पूर्ण हुआ है और आप सभी के सामने है कि जिला पंचायत अपना जो ये दो वर्ष का कार्यकाल है एक अलग तरीके से जिला पंचायत कार्य कर रही है। मुझे लगता है कि जितनी भी कार्यदायी संस्थाएं हैं, जिला पंचायत का कार्य किसी भी कार्यदायी संस्था से कम अच्छा नहीं, मतलब अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छा कार्य अगर कोई संस्था कर रही है तो जिला पंचायत कर रही है। और दो साल में जितना काम हमने पूरा किया है, एक तरह से समझिए कि जो बहुत बड़ा टारगेट था वो हमने आज अचीव किया है। ग्रामीण क्षेत्रों को स्ट्रीट लाइटों से जगमगाने का काम किया है। इस समय ग्रामीण क्षेत्रों में आप चले जाइए, स्ट्रीट लाइटें लग रही हैं, एक से डेढ़ महीने में ये सारे कार्य पूर्ण कर लिए जाएंगे। बाकी रोड नाली नाला की जो समस्याएं हैं वो हम लोग लगातार उस काम को कर ही रहे हैं। मुझे लगता है अभी हमने आपके सामने सारे विषय रखे कि कितना रोड बनाया गया, कितने नाले का निर्माण किया गया और आगे जो भी काम बचे हैं उसको कम से कम समय में पूर्ण कर लिए जाएंगे। 2023-24 की कार्य योजना लगभग हमारी बन के तैयार है, उसको भी आगे टेंडर प्रक्रिया करते हुए उस कार्य को भी करने का काम किया जाएगा। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, उनसे उनकी मंशा के अनुरूप हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। इसमें हमारे जिले के संगठन का, प्रदेश के संगठन का, राष्ट्रीय नेतृत्व का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का सबका आशीर्वाद है, सबका सहयोग है। ऐसे ही लगातार अपेक्षा करेंगे, आशा करेंगे कि उन सबका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे और आप सब मीडिया बंधुओं का भी ऐसे सहयोग बना रहे। कोई भी अगर जिला पंचायत द्वारा कहीं भी आपको कुछ कमी नज़र आती है तो ज़रूर आप उसको इंगित करिए, उसको सुधार करने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि कोई भगवान नहीं होता। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नज़र हर खबर पर।